हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम, सादर नमन और अभिनंदन। भक्तों, आज हम आपको अपने यात्रा कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से एक ऐसे अद्भुत तीर्थस्थल का दर्शन करवाने जा रहे हैं जिसकी सभी दीवारें और सभी कोने भगवान कृष्ण के भक्ति पदों से भरे हैं। ये मंदिर उस परम भक्तिमती को समर्पित है जिसने अपनी श्री कृष्ण भक्ति से समूचे विश्व को न केवल श्री कृष्ण के रंग में रंग दिया बल्कि भावपूर्ण भक्ति गीतों से पत्थरों को भी रुला दिया, जो हमेशा यही कहती रही, मैं तो मोहन के रंग रांची। भक्तों, हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त मीराबाई की और चित्तौड़गढ़ स्थित मीराबाई मंदिर की। भक्तों, चित्तौड़गढ़ किले के परिसर में स्थित मीराबाई मंदिर में भगवान कृष्ण को समर्पित मीराबाई द्वारा कई भजन और कविताएं लिखी हैं जिन्हें पढ़कर भक्तगण भाव विभोर हो जाते हैं, दर्शनार्थी भक्ति के रंग में सराबोर हो जाते हैं। मीराबाई मंदिर चित्तौड़गढ़ का एक धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहर तो है ही, ये देश और दुनिया का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल भी है। भक्तों, मीराबाई का जन्म विक्रम संवत 1498 में राजस्थान के राठौर परिवार में हुआ था। मीराबाई बचपन में भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षित हुई और बढ़ती उम्र के साथ भगवान कृष्ण के प्रति उनका आकर्षण बढ़ता गया और वो भगवान कृष्ण को ही अपना पति मानने लगी थी। बड़ी होने पर उनके माता पिता ने उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका विवाह मेवाड़ के राजकुमार भोजराज से करवा दिया, लेकिन मीरा पर चढ़ा श्री कृष्ण भक्ति का रंग नहीं उतरा। इससे चिढ़कर उनके ससुराल वालों ने उन्हें विष पिलाकर मारने की कोशिश की, लेकिन मीरा को कुछ नहीं हुआ। एक बार उनके ससुराल वालों ने फूलों की एक टोकरी में एक विषैला सर्प रखकर मीराबाई के पास भेजा, लेकिन भगवान कृष्ण ने सांप को अपनी मूर्ति के रूप में बदल दिया। इसके बाद मीराबाई सारे सुख वैभव व राजमहल त्याग कर भगवान कृष्ण की भक्ति में लग गई और विश्व भर में कवयित्री और संत के रूप में जानी जाने लगी। भक्तों, मीराबाई मंदिर का निर्माण राणा कुंभा के शासनकाल के दौरान हुआ था। कहा जाता है कि मीराबाई की श्री कृष्ण भक्ति से प्रभावित होकर महाराणा कुंभा ने भगवान श्री कृष्ण को समर्पित इस मंदिर का निर्माण करवाया ताकि मीराबाई निर्बाध रूप से अपने आराध्य भगवान कृष्ण की भक्ति कर सकें और बाद में इस कृष्ण मंदिर को मीराबाई मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। भक्तों, विशुद्ध वैदिक शैली में निर्मित मीराबाई का ये मंदिर न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत है अपितु भारत की कलाकृति का बेजोड़ नमूना भी है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक सिर के साथ पांच निकायों की शानदार नक्काशी है जो जाति, धर्म, सत्य, एकता और परस्पर प्रेम का प्रतीक है। भक्तों, मंदिर के केंद्र में भगवान कृष्ण की एक अत्यंत सुंदर और दिव्य मूर्ति विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख गायन मुद्रा में वीणाधारी मीराबाई की मूर्ति प्रतिष्ठित है। भगवान श्री कृष्ण और मीराबाई दोनों की ही मूर्तियां दिव्य और मनोहर हैं। भक्तों, मीराबाई मंदिर परिसर का एक छोटा क्षेत्र स्वामी रविदास को समर्पित है जहां स्वामी जी की एक मूर्ति विराजमान है। बता दें, स्वामी रविदास मीराबाई के गुरु थे। इसके अलावा मंदिर परिसर में पत्थरों से बना एक मीराबाई स्मारक है जिसमें मीराबाई और भगवान कृष्ण की कहानियों को दर्शाया गया है। भक्तों, मीराबाई मंदिर पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए
प्रतिदिन सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। मंदिर की पूर्ण और सुखद यात्रा के लिए 1-2 घंटे का समय अवश्य दें, तभी आप इस तीर्थस्थल की यात्रा का संपूर्ण लाभ प्राप्त कर सकेंगे। भक्तों, मीराबाई मंदिर में पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है, यानी इस मंदिर में प्रवेश पूर्णतः निःशुल्क है। भक्तों, यदि आप चित्तौड़गढ़ में मीराबाई मंदिर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो हम आपको बता दें, चित्तौड़गढ़ जाने के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च का होता है, क्योंकि इस समय चित्तौड़गढ़ का मौसम खुशनुमा रहता है। इसलिए सर्दियों के मौसम में चित्तौड़गढ़ की यात्रा करना सबसे अच्छा समय है। भक्तों, यदि आप राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल चित्तौड़गढ़ में मीराबाई मंदिर घूमने जाने की योजना बना रहे हैं तो चित्तौड़गढ़ में मीराबाई मंदिर के अलावा चित्तौड़गढ़ दुर्ग, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, महासती, गौमुख कुंड, राणा कुंभा का महल, कालिका माता मंदिर, फतेह प्रकाश पैलेस, श्यामा मंदिर, सतीश देवरी मंदिर, सांवरियाजी मंदिर, मेनाल शिव मंदिर, रतन सिंह पैलेस, भैंसरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य और पद्मनी पैलेस आदि दर्शनीय स्थलों की यात्रा आप अपनी मीराबाई मंदिर यात्रा के दौरान कर सकते हैं। अगर आप मीराबाई मंदिर चित्तौड़गढ़ घूमने जाने की योजना बना रहे हैं तो आप सड़क, रेल और हवाई मार्ग से यात्रा करके मीराबाई मंदिर चित्तौड़गढ़ पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप चित्तौड़गढ़ के मीराबाई मंदिर फ्लाइट से जाने की योजना बना रहे हैं तो चित्तौड़गढ़ शहर का सबसे निकटतम हवाई अड्डा उदयपुर का महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है, जो चित्तौड़गढ़ से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप हवाई अड्डे से चित्तौड़गढ़ जाने के लिए बस, टैक्सी या कैब किराए पर ले सकते हैं। भक्तों, अगर आप ट्रेन से यात्रा करके मीराबाई मंदिर चित्तौड़गढ़ जाना चाहते हैं तो चित्तौड़गढ़ का अपना घरेलू रेलवे जंक्शन है, जो मीराबाई मंदिर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ रेलवे जंक्शन पहुंचने के बाद आप यहां से ऑटो, टैक्सी या स्थानीय वाहनों के माध्यम से मीराबाई मंदिर पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप चित्तौड़गढ़ के मीराबाई मंदिर सड़क मार्ग से जाने की योजना बना रहे हैं तो चित्तौड़गढ़ राजस्थान के प्रमुख शहरों जैसे उदयपुर, जयपुर, जोधपुर आदि और पड़ोसी राज्यों से सड़क मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। सड़क मार्ग से मीराबाई मंदिर चित्तौड़गढ़ की यात्रा करना एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। भक्तों, अगर आप भी मीराबाई मंदिर चित्तौड़गढ़ की यात्रा करने की इच्छा रखते हैं और मीरा जी के गिरधर गोपाल का दर्शन पूजन कर अपना मनोरथ पूर्ण करना चाहते हैं तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।